डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो चैप्टर वन की कंटिन्यूएशन में हम चलेंगे, चैप्टर वन में जब हमने नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया तो हमने ये नोट किया था कि हम इसमें रियल नंबर सिस्टम्स को देखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स को देखेंगे। जो रियल नंबर्स हैं वो आपको याद होगा, हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट लिया था जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिर होल नंबर्स उसमें आप जीरो ऐड कर देते हैं, फिर इंटीजर्स जिसमें आप जीरो और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले चलते हैं, फिर आप रैशनल्स पे गए थे, ऐसे नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें। तो जो ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स, और आज वाले लेक्चर में एक हम प्रैक्टिस करेंगे थ्योरम एक की, कि हम किस तरह से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपने इसको, इसमें आपको एक से ज़्यादा अटैम्प्ट लगेंगे इसको समझने में, तो आपने एक दफ़ा उसके आइडियाज़ को समझना है और फिर उसके बाद आप उसको रिविजिट करेंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपकी आदत हो जाएगी कि हम इन थ्योरम्स को किस तरह से प्रूव करते हैं। तो जस्ट वो जो स्ट्रक्चर है जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं और जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, उसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ। 22/7, 22 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म का, हमने इसको रैशनल नंबर बोला। 55/9, 55 भी इंटीजर, 9 भी इंटीजर, हम इसको रैशनल बोलेंगे। 10/2, 10/3, 3/10 एंड सो ऑन, ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में आपको इंटीजर्स मिलेंगे और जो आपका जो नीचे वाली एंट्री होगी उसको आपने जीरो अलाउ नहीं करना, तो इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जब हम इनकी डिवीजन करते हैं तो दो फिनोमेना आ सकते हैं, एक तो ये कि आपकी डिवीजन टर्मिनेट हो जाए, आप फर्दर डिवीजन आप कंटिन्यू ना रख पा पाए, या फिर रिकरिंग कि जो आप डिवीजन करते हैं उसमें आपको इस तरह से जैसे 1414 1414 इस तरह की चीज़ आना शुरू हो जाए, या 1.666 इस तरह की चीज़ शुरू होना आना शुरू हो जाए, या फिर इस तरह का नंबर आना शुरू हो जाए 1.428574 एंड सो ऑन। मतलब ये जो 4 2 8 5 7 वाला पैटर्न है, ये नंबर्स इस तरह से रिपीट होना शुरू हो जाए, तो तमाम नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म के होंगे वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, और जो इस तरह के नंबर्स हैं उनको हम बाद में पी बाई क्यू फॉर्म में भी कन्वर्ट करना जान लेंगे। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनमें कोई पैटर्न आपको नहीं मिलता, जैसे ये नंबर है 1.1414349578 एंड सो ऑन, इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर देखें और उस कैलकुलेटर में, मतलब कोई भी ऐसा कैलकुलेटर जिसमें आप काफ़ी सारी उसके डेसिमल के बाद काफ़ी सारी एंट्रीज आ सकें, उसमें अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आप उनके पास आंसर तो आता जाएगा, आपको उसमें पैटर्न कोई नहीं मिलेगा। तो जितने भी आपके प्राइम्स हैं ना, इनका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इनमें आपको ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपको ना कोई इस तरह से पैटर्न नहीं मिल रहा। तो अगर मैं स्क्वेयर रूट 3 कंसीडर करूँ, स्क्वेयर रूट 5 कंसीडर करूँ, कोई भी प्राइम ले लूँ जैसे 2 3 5 7 11 13, इन सारे प्राइम्स का स्क्वेयर रूट लूँ तो इनमें पैटर्न नहीं मिलता। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, इनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब ये जहन में रखिएगा, इन दोनों की हमें ज़रूरत है रियल लाइन को समझने के लिए। रियल लाइन पे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं या इरेशनल होते हैं, तो रियल लाइन दोनों को एक साथ लिखने से, यानी कि दोनों की यूनियन से बनती है। हम इस थ्योरम की प्रैक्टिस करते हैं जी, इस थ्योरम को आपने प्रैक्टिस के पर्पज से समझना है कि हमने प्रूव ये करना है कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। हम जब प्रूफ करने लगते हैं तो हम आमतौर पे डिडक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं कि जो आपको चीज़ें पता हैं आप उनको यूज़ करके अपना नतीजा निकाल लें। आप इंडक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं कि आपको कोई ख़ास पैटर्न मिलता है और आप उस पैटर्न की मदद से फिर एक आप उसका शुरू का स्टेप करते हैं, दरमियान में आप एनालाइज करते हैं और उसे एक स्टेप आगे जाते हैं। ये आप लेटर स्टेजेस पे जाके पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इंडक्शन। और तीसरा है कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो आपको प्रूव करना है आप उसका उलट सपोज कर लें और फिर आप ये देखें कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पर कोई ना कोई मसला आ जाए, इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो हम इस प्रूफ को भी कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। हमने प्रूव ये करना है कि स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हम उलट सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर क्या होगा, फिर ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। अब ये देखिए, स्क्वायर रूट 2 अगर रैशनल, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल,
अब अगर रैशनल है तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर रूट 2 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमने ये कहना ये जो भी p बाई क्यू है ना, अगर इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर आता है, इधर भी कॉमन फैक्टर है इधर भी कॉमन फैक्टर है, तो वो हमने कैंसिल कर देना। यानी कि ये जो p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर हमने नहीं बचाना, हम कहेंगे कि p एंड q आर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, और ये जो नीचे वाली एंट्री है हमारी डिनोमिनेटर, इसको हम जीरो नहीं ले सकते, तो इसको हमने जीरो नहीं अलाउ किया। अब क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर्स लेते हैं, दिस इज 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, और फिर यहां पे हमने कह दिया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी राइट हैंड साइड है 2 इसका एक फैक्टर बन गया। अगर ये राइट हैंड साइड पे फैक्टर है तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये फैक्टर होगा। ओके, अगर ये राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब ये 2 जो है एक प्राइम नंबर है, और इस प्राइम नंबर की एक खास बात होती है कि अगर ये किसी नंबर, किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो फिर ये दो दफा आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि 2 डिवाइड करता है 36 को, तो अब ये 36 जो है, ये गौर कीजिए, ये 6 का स्क्वायर है, 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। अब ये जब हम इनको, ये जो सिंबल है ना, इसको हम पढ़ते हैं डिवाइड्स, तो अब अगर 2 तकसीम करता है 36 को तो 2 ये 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब ये 2 6 में, इस 6 में भी आ, ये जो 2 दफा 6 आ रहा है, तो ये 2 6 को दोनों जगह पे डिवाइड करता है, तो 2 एक्चुअली 2 दफा इस जगह पे आ रहा है। तो हम इसी चीज को लेके चलते हैं, प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर ओनली इफ इट अकर्स एटलीस्ट ट्वाइस। तो अब कोई भी प्राइम अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो जो स्क्वायर में दो नंबर, दो टर्म्स है, उन दोनों का अलग अलग उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इन द स्क्वायर, सो इसलिए जो पी स्क्वायर होगा, ये जो पी स्क्वायर है, इसका मतलब पी स्क्वायर शुड हैव द फॉर्म 4p डैश स्क्वायर। अब ये जो पी है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 आ रहा है। अब जब इसका स्क्वायर लूंगा तो वो 4 बन जाएगा, और वो जो 2 के बाद बाकी जो चीज बचती थी उसको मैंने पी डैश बोल दिया। अब तो ये पी स्क्वायर शुड हैव द फॉर्म 4p डैश, so that the equation 1, अब ये वाली जो equation 1 है, इसकी अब shape change हो गई। अब इसकी जब shape change हुई, तो अब ये देखिए, ये आ गया जी, p square की जगह पे आ गया 4p dash square, and it is equal to 2q square, इसको हमने बाद में use करना है, तो इसको हम label कर देते हैं 2, फिर अब इसको simplify कर लिया, simplify किया, तो 2 पे divide कर दिया, दोनों साइडों पे, ये आ गया जी, q square is equal to 2p dash square, अब ये फिर पहले वाली situation आ गई, जैसे 1 में थी। अब ये इसका मतलब ये कि ये 2 जो है इस साइड का फैक्टर है, तो 2 जो है वो q स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। अब दोबारा वही स्टोरी कि अब अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर q स्क्वायर की शेप उसी तरह से होगी जैसे p स्क्वायर की शेप थी। सो फ्रॉम 3 2 इज अ फैक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, सो q स्क्वायर शुड बी ऑफ द फॉर्म 4q डैश स्क्वायर, जैसे हमने p स्क्वायर के केस में किया था। So that ये जो equation number 3 है, इसकी shape कौन सी बन गई है, ये 2p dash square, और ये जो q square है, ये अब आ गया 4q dash square। अब यहां से हम conclude क्या कर रहे हैं, जी दोनों साइडों पे आप उनको divide कर दें, तो ये आ जाता है p dash square is equal to 2q dash square। अब हम यहां पे कर क्या रहे हैं कि इस equation 1 और इस equation 2 में हम common चीजें देखते हैं, यहां पे है 2q square, यहां पे भी है 2q square, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पी स्क्वायर है, ये वाला पी स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा इस 4p डैश स्क्वायर के, तो ये 2p डैश, सॉरी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p डैश स्क्वायर। अब यहां से जब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया p इज इक्वल टू 2p डैश। अब फिर 3 और 4, ये 3 लिखा था हमने इसको और ये 4 लिखा था। अब यहां पे ये जो p डैश स्क्वायर की वैल्यू है, ये अगर मैं यहां पे डालूं तो ये बन जाएगा 4q डैश स्क्वायर। अब ये जी 4q डैश स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, इसका मतलब q अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो तो q इज इक्वल टू 2q डैश। तो अब इसका मतलब ये p इस शेप का है, q इस शेप का है। अब p अगर p ओवर q लिखूं तो ये आ गया कि 2p डैश स्क्वायर ओवर 2q डैश स्क्वायर। लेकिन हमने तो अज्यूम ये किया था कि इन, ये दोनों लोएस्ट फॉर्म में है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, स्टार्ट पे हम ये अज्यूम करके चल रहे थे। तो अब हुआ क्या कि इन दोनों में तो 2 कॉमन आ गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन। अब अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर हम यहाँ से कंक्लूड क्या करेंगे कि जो हमारी सपोजिशन थी ना स्टार्ट में कि स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, वो गलत है। तो कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से फिर कंक्लूड हमने क्या किया कि जो स्क्वायर रूट 2 है दैट इज इरेशनल।
अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करनी है, जो बुक है ना आपकी, उसमें बिल्कुल इससे जो अगली चीज आपको मिलेगी, अगली एग्जांपल मिलेगी, उसमें आपको स्क्वायर रूट टू की बजाय, यहाँ पे लिखा होगा स्क्वायर रूट थ्री। और आपका जो पूरे का पूरा थ्योरम है ना, उसमें आपने नोट ये करना है, टू की जगह पे थ्री आ गया, फोर की जगह पे नाइन आ गया। जो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल इसके जैसे हैं। अब कोई आपसे कहता है कि स्क्वायर रूट फाइव को प्रूव करो, कि जो स्क्वायर रूट फाइव है वो इरेशनल है, तो आप बिल्कुल इस थ्योरम को देख के आप स्क्वायर रूट फाइव भी प्रूव करा सकते हैं कि वो इरेशनल है। स्क्वायर रूट सेवन आप प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इलेवन कर सकते हैं। तो बुक वाले ने आपको दो इस तरह की एग्जाम्पल्स बताई, तो आपने एक चीज ध्यान में रख लेनी है। एक ना कन्फ्यूजन पाई जाती है, आपने वो अपने दिमाग से हटा देनी है। पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल है। तो ये जो आपको छोटी जमात में बराबर लिख के समझाया जाता था ना, वो उस वक्त हम डिटेल्स डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो वहां पे इक्वल का साइन यूज कर लिया जाता है। लेकिन ये पाई और 22/7 बिल्कुल इक्वल नहीं है। इरेशनल नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इनको हम अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हैं। तो अगर आपको रैशनल और इरेशनल क्लियर हो जाए, तो फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे, जिसमें हम रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, कि अगर दो नंबर्स मुझे दिए हों और मैंने ये डिसाइड करना हो कि इनमें से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, और इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। इस बाकी के चैप्टर में हमने करना क्या है कि जब आपको, अब आपको ना नोटेशंस का आदि किया जाएगा, सिंबल्स का आदि किया जाएगा, सिंबल्स की ये जो हैबिट के बाद, फॉर एग्जांपल 4 is less than 5, जो इस तरह की बेसिक चीज़ें आप लिखने के आदि हैं, उन्हीं को लेके आगे चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।